Once again, welcome back in my YouTube channel, दोस्तों मैं हूं आकाश पांडे और आप देख रहे हैं यूनिक सिविल यानी मेक योर सेल्फ यूनिक। दोस्तों आप सबके दिमाग में क्वेरीज रहती है कि सर मुझे डिजाइन इंजीनियर बनना है और सबके सब एक साथ सोचते हैं कि मुझे बिल्डिंग का डिजाइन करना है इस तरीके से। इतना क्राउड हो गया है उस जगह पे, मीन्स बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में इतना ज्यादा क्राउड हो गया है कि अब वहां पे सैलरी का ग्रोथ रुक गया है, एक लेवल पे सेट हो गया है। क्यों? क्योंकि उस काम को करने के लिए बहुत से लोग अवेलेबल है मार्केट के अंदर। अब करना तो आपको डिजाइन ही है, तो क्यों ना हम थोड़ा सा पाथ को टर्निंग दे दें और टर्निंग करके दूसरे चीज की डिजाइन करने लगे तो आपका करियर में ग्रोथ भी होगा, प्लस आप थोड़े से यूनिक रहोगे कंपेयर टू अदर्स। आप सोच रहे होंगे मैं कहना क्या चाहता हूं। मैं आपसे बात करना चाहता हूं हाईवे डिजाइन का, हाईवे या रोड डिजाइन, रोड करो या हाईवे करो, हाईवे रोड डिजाइन में अगर आप जाते हो तो ऐसे में बहुत कम कंपटीशन है और मुझे पता है कई ढेर सारी कंपनियां हैं जो इस पे काम करती हैं। जो अभी इस समय मैं पुणे और मुंबई और दिल्ली का बता सकता हूँ, इन तीनों जगहों पे भरमार ओपनिंग्स है इस पे। अब लोग सर इसके लिए सीखना क्या पड़ेगा, तो हाईवे इंजीनियरिंग तो एक आपने सब्जेक्ट्स तो आपने पढ़ा ही होगा। मैं उसके लिए बेस्ट बुक भी जल्दी से देख के आपको बता दूंगा कौन सी बुक सबसे अच्छी है। अभी मैंने रिव्यू नहीं किया है, पहले प्रॉपर में पढ़ के उसके बाद बता दूंगा। तो एक हाईवे इंजीनियरिंग की बुक्स पढ़ लीजिए, अगर आपको चाहिए तो आप नीचे कमेंट करना कि हाँ सर बताइए कौन सी बुक पढ़े, तो मैं रिव्यू करूंगा जरूर। मेरे दो दोस्त हैं जो हाईवे इंजीनियरिंग में काम कर रहे हैं डिजाइनिंग में, उनसे पूछ सकता हूं कि भाई ये बताओ क्या कौन सी बुक पढ़ना चाहिए, पता चल जाएगा, उसकी बात नहीं है। पर हाईवे इंजीनियरिंग अगर हमने कर लिया तो इसमें क्या हो रहा है कि बहुत कम क्राउड और पैसा बहुत ही अच्छा है, यानी अच्छा ही इतनी बड़ी ब्रांड है। उसके अलावा कई ढेर सारी कंपनियां हैं जो फॉरेन के काम लेके अपने इंडिया में काम कर रही हैं। पता है क्या होता है, देखिए जो फॉरेन की कंट्रीज हैं वहाँ पे फॉग बहुत जल्दी पड़ता है, तो वहाँ पे क्या होता है कि उनको क्वालिटी से मतलब है, तो बर्फ पड़ा उसके बाद तुरंत पूरा का प्लान रोड होता है इधर उधर हो जाता है, फिर से वो तुरंत रोड का कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको स्कोप रहता है डिजाइनिंग करने का। तो आपको उसके लिए सबसे अच्छा सॉफ्टवेयर, सबसे पहले आपको जहां से स्टार्ट करना है, दैट सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड सिविल 3D। सिविल 3D से आप स्टार्ट करिए। सिविल 3D सबसे बेसिक सॉफ्टवेयर है इस लाइन का, दैट इज समथिंग लाइक ऑटोकैड। ऑटोकैड की तरह ही है, बस इसमें थोड़े से कोऑर्डिनेट्स वगैरह को मिलाना पड़ता है, तो थोड़ा सा यूनिक होता है कंपेयर टू ऑटोकैड। और ये कह सकते हैं कि ऑटोकैड से का एडवांस लेवल कह सकते हो, जिसको सिविल 3D बोलते हैं। तो सबसे पहले आप सिविल 3D बहुत अच्छे से सीखो, और सिविल 3D सीखने के बाद और अगर हाईवे इंजीनियरिंग आपने अच्छे से पढ़ लिया है, ये दो चीज कर लिया, तो आप अप्लाई कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि नहीं सर मुझे प्रॉपर प्रिपेयर होना चाहता हूं, तो आप MX रोड करके सॉफ्टवेयर होता है ऑटोडेस्क का, MX रोड, तो प्लीज क्लियर कर लीजिएगा। अगर आपको हाईवे इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट अगर थोड़ा सा भी है तो जाना जरूर। मैं इसका रीजन बताता हूं, इसका रीजन यही है कि वहां पे क्राउड नहीं है। अगर आप जा रहे हैं दूसरे इंडस्ट्री में, जैसे मैंने बोला बिल्डिंग, भरमार इंडस्ट्री, मतलब इतना ज्यादा इसमें स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग, मतलब बिल्डिंग इंजीनियरिंग, स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग मतलब केवल बिल्डिंग नहीं होता है, स्ट्रक्चर मतलब डैम होता है, स्ट्रक्चर मतलब रिजर्वायर होता है, स्ट्रक्चर मींस हाईवे का एयरपोर्ट होता है, स्ट्रक्चर का मतलब सिर्फ और सिर्फ बिल्डिंग स्ट्रक्चर नहीं होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा आप क्रॉस करिए अपने आप को, बहुत ज्यादा स्कोप मिलेगा और बहुत ज्यादा आप यूनिक बनोगे। तो मैं क्योंकि काफ़ी दिन से लोग क्वेरीज कर रहे थे कि सर हाईवे इंजीनियरिंग के बारे में कुछ बताइए, तो मैं आपको बस यही बोलना चाहूँगा, थोड़ी सी स्टडी करिए अर्बन रोड के बारे में, हाईवे इंजीनियरिंग, नेशनल हाईवे कितने हैं हमारे पास, नेशनल हाईवे का साइज़ क्या लेते हैं हम लोग, थोड़ी सी स्टडी करिएगा, बहुत ज़्यादा इसमें आपको न्यू मिलेगा। इसके लिए साइट इंजीनियरिंग भी बहुत अच्छी है इसकी, अगर आप साइट पर जाना चाहते हो तो। कुछ लोग बोल रहे होंगे सर साइट पर नहीं जाना है, देखो यार साइट पर अभी देखो सिविल इंजीनियर हो तो ऐसा कुछ नहीं है कि साइट पर जाना ही नहीं है, बहुत हार्ड है, जब हो ही नहीं रहा आपके हाथ से तो कोई बात नहीं, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं कि साइट आपके लिए एकदम बुरा है, वहाँ पे भी लर्निंग मिलती है। लेकिन अगर साइट कम डिज़ाइन हो, मतलब डिज़ाइन पे भी काम करना हो साइट पे, तो मैं ऐसी जॉब को पहला प्रेफरेंस दूंगा। क्यों? मैं साइट से सीखूंगा और डिज़ाइन में उसको एग्जीक्यूट करूंगा कि चलो इसको ऐसा करके देखते हैं, तो मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस होगा ऐसा। आपके पास किसी के पास ऐसी रिक्वायरमेंट होगी तो ज़रूर मुझे बताना, मैं अप्लाई करूंगा और कोशिश करूंगा कि क्रैक करूं। क्योंकि अगर हाईवे में आपको साइड और डिजाइन दोनों मिला तो बहुत ज़्यादा मजा आएगा। और जो आपकी क्वेरीज है प्लीज़ नीचे यहाँ कमेंट किया करिए, तो आपके क्वेरीज से ही हमें नए बताना होता है कि हम चलो ये बताएंगे अभी इस टॉपिक के बारे में आपसे डिस्कस करते हैं। हम लोग दिन भर काम करते हैं, अलग अलग इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, तो
थोड़ा बहुत हर नॉलेज हो जाता है कि चलो सिविल 3D भी मैंने काफ़ी हद तक चलाया है तो मुझे थोड़ा थोड़ा इसका ओवरव्यू पता है, बट अभी और मुझे डीप ये पढ़ना है। तो मतलब कि देखो क्या होता है कि जब डीप नहीं पढ़ोगे तो आपको मज़ा नहीं आएगा। इसमें मैं ईटैप पे काम कर रहा हूँ बहुत बड़े लेवल पे, तो जल्दी ही आपके लिए उसके भी बहुत जल्दी एक गुड न्यूज़ आने वाली है। गुड न्यूज़ मूवी वाली नहीं, गुड न्यूज़ आने वाली हमारी तरफ से ईटैप्स के लिए, उस पर बहुत फोकस चल रहा है काम। और कई लोग बोल रहे थे कि सर आप स्टैट प्रो और ऑटोकैड को ऐसे बच्चों को भी पढ़ा, स्टैट प्रो और ईटैप्स के लिए कई लोग क्वेरीज डाल रहे थे कि सर ऐसे लोगों को भी पढ़ना है जिनके पास पैसे नहीं हैं। बिल्कुल पढ़ना यार, और मैं आपको पूरा साथ दूंगा डेफिनेटली। मैंने काफ़ी वीडियोस तैयार भी किए हैं, अगर वीडियो आया भी तो बहुत नॉमिनल अमाउंट में आएगा, तो उससे ज़्यादा कुछ भी हम आपसे नहीं लेंगे। और आप जितने भी मेरे से बात की होगी आपको पता है कि मैं क्या बोलता हूँ, कुछ भी आपका फीस नहीं रहता है, एकदम नॉमिनल फीस रहता है, तो उसका आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। मैं आपको मद्देनजर रखते हुए कुछ काम करूंगा तो आपको मैं शेयर करूंगा। प्लस एक और रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट यह है कि आप प्लीज वीडियो को लास्ट तक देख लिया करो यार, क्योंकि CPM होता है वीडियो में। मेरे को बताया गया है कि CPM आपके जो चैनल है उसका गिर रहा है। उसका मेन रीजन ये है कि हम वीडियो को ओपन करते हैं फटाफट 2 मिनट में खत्म कर देते हैं, पूरी वीडियो को नहीं देखते हैं, तो मेरा CPM मुझे बताया गया कि 11% गिर गया है। मुझे ज्यादा नहीं पता है बट ये पता है कि 11% गिर गया है, तो वो थोड़ा सा चैनल के ग्रोथ के लिए खराब होता है। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर आपको पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, आपको 2-2 मिनट के वीडियो चाहिए, वो बता देना फिर आपको भी। लेकिन क्या होता है कि जब हम पूरी बात को नहीं बता पाएंगे, अब मैं क्लासेस क्यों नहीं स्टार्ट कर पा रहा हूँ, क्योंकि क्लासेस स्टार्ट करने के लिए कम से कम 1 घंटा तो लगता है यार। कोई भी मैं जब क्लास लेता हूँ कभी भी, तो कैसे अभी हम लोग का मिनिमम 1 घंटा है, बाकी जब बड़े क्लास होते हैं तो 3-3, 4-4 घंटे लगते हैं। तो अब 1 घंटे यहाँ पे देखेंगे कोई नहीं, CPM ऐसा गिर जाएगा। तो प्लीज़ थोड़ा सा लास्ट तक देखना यार, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आपकी जो भी क्वेरीज हो नीचे कमेंट करना कि सर मुझे ये क्वेरी है, जॉब से रिलेटेड कोई क्वेरीज है या कोई और क्वेरीज है, तो प्लीज़ नीचे कमेंट करो और कांटेक्ट में रहो, हम सब मिलके करेंगे। मैंने एक काम स्टार्ट किया था पीछे, आपको वीडियो में शेयर किया था कि हम लोग जल्दी ही अपना स्टार्ट करेंगे कुछ नया, तो वो भी चल रहा है और कई लोग मेरे से जुड़ भी चुके हैं, थैंक यू। और कई लोग जुड़ने वाले हैं उनके लिए एडवांस में थैंक यू। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।